ETF में इन्वेस्ट करूं या म्यूचुअल फंड्स में, पता नहीं किस में इन्वेस्ट करूं। क्या हो गया, इतना कंफ्यूज क्यों है? भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये ETF और म्यूचुअल फंड इनमें डिफरेंस क्या है। देख, म्यूचुअल फंड एक एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर तेरे पैसों को वेरियस कंपनीज में इन्वेस्ट करता है इस मोटिव से कि वो इंडेक्सेस को बीट कर पाए। और वहीं ETF पैसिवली मैनेज फंड्स होते हैं जिसमें फंड मैनेजर पूरा का पूरा इंडेक्सेस को ही कॉपी कर देता है। और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है क्योंकि फिर से ये एक्टिवली मैनेज फंड्स हैं जिसमें फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन और इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वेरियस कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। और ETF में एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि फंड मैनेजर इंडेक्सेस में दी हुई कंपनी को उनकी वेटेज के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। अच्छा, लेकिन मैं इनमें इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूँ? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए तुझे डीमैट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इनमें SIP और लमसम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। और वहीं ETF में इन्वेस्ट करने के लिए तो जो डीमैट अकाउंट की जरूरत